बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं तमाम दोस्तों को अपने ऑनलाइन बाइक स्पेशलिस्ट चैनल पर खुश आमदीद करता हूं। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि CG125 2002 मॉडल इस टाइम मेरे पास मौजूद है, जिसका हमने रिव्यू करना है। और रिव्यू में हमेशा की तरह जिस तरह मैं बताता हूँ तो सब दोस्तों के सामने रखता हूँ कि कौन सी चीज़ हमने इसके अंदर न्यू डाली है और कौन सी चीज़ हमने रिस्टोर की है। तो पूरी डिटेल के साथ आज इसका रिव्यू करेंगे इंशाल्लाह। तो चलते हैं दोस्तों अपने मोटर बाइक के रिव्यू की तरफ। तो दोस्तों, ये मोटर बाइक की लुक है, आप देख सकते हैं। और जूम करके भी आपको दिखा देते हैं कि ये किस तरह की ये मोटर बाइक तैयार हुई हुई है। तो दोस्तों, हमेशा की तरह मैं जिस तरह बताता था CG125, ये 2002 मॉडल है जिसका आज हमने रिव्यू करना है। तो ये इसके हब जो है, हब और प्लेट ये बिल्कुल ही इसकी बफ़ की गई हैं, और शॉक्स के बटन भी बफ़ किए गए हैं। फ्रंट मोटर गार्ड और रियर मोटर गार्ड हमने नया डाला है, और ब्रेक केम कैडियम में, और केबल्स जो हैं तमाम इसकी न्यू डाली गई हैं। मोनोग्राम फ्रंट का ये न्यू लगाया गया है। इंडिकेटर चारों के चार लगाए गए हैं। मीटर भी इसका चेंज किया गया है। हेडलाइट भी इसकी जेन्युइन मुकम्मल चेंज की गई है। ग्रिप सेट जेन्युइन एटलस होंडा का ये भी नया डाला गया है। हैंडल भी इसका हमने चेंज किया है, और इसकी मूड सेट भी हमने इसका चेंज किया है। और उसके बाद 5-पीस स्विच किट, स्विच, ढक्कन, हैंडल लॉक और टापे के दो जो होते हैं इसके लाके हैं, वो भी हमने इसकी चेंज किए हैं न्यू जेन्युइन एटलस होंडा के। और सिल्वर पट्टी जो है ये भी हमने इसकी बफ की गई है। फ्यूल टैंक केस, फ्यूल टैंक और केस जो है ये 2020 मॉडल के जेन्युइन एटलस होंडा का इसके ऊपर इंस्टॉल किए गए हैं। और सीट भी इसकी न्यू एटलस होंडा की ही इंस्टॉल की गई है, चेंज की गई है इसकी सीट। अब दोस्तों बात करते हैं इसके इंजन पे। इंजन का इसका मुकम्मल जेन्युइन सामान के साथ इसका मुकम्मल तैयार किया गया है। सेंटर टापे जो है, हेड और सिलेंडर ये इसके बफ किए गए हैं, और मैग्नेट टापा और क्लच टापा इसका बटी पेंट किया गया है। गेलीवर जो है इसका नया लगाया गया, और मेन पैदान फुटबार ये भी नया लगाया। फुटबार रबड़ भी हमने चेंज किए हैं ये जेन्युइन सामान के साथ, और बैटरी भी चेंज की है, वायरिंग भी चेंज की है। केबल्स का मैं जिक्र कर चुका हूँ, तमाम सारी केबलें चेंज की गई हैं, और इंजन के कुछ एक्सल भी हमने इसके चेंज किए हैं। बाकी जो चैन कवर है इसका, वो भी इसका एटलस होंडा का नया लगाया गया है। फुटरेस्ट भी इसके नए जेन्युइन लगाए गए हैं, और सिंगल स्टैंड पेंट किया गया है, डबल स्टैंड इसका पेंट है। बाकी ब्लैक कलर की जितनी भी, और फ्रेम भी इसका मुकम्मल पेंट किया गया है। इसके अंदर बफिंग का काम, और इसकी शॉक्स की बात करते हैं तो शॉक्स इसके हमने क्रोम किए हैं। तो दोस्तों बात करते हैं इसकी सीटेक की, तो सीटेक जो है इसकी क्रोम हुई हुई है। और उसके बाद बैकलाइट, बैकलाइट हमने बिल्कुल इसकी जेन्युइन एटलस होंडा की नई लगाई है। फ्रंट रेड मोटरगार्ड में जिक्र कर चुका हूँ, और इसकी रबड़ भी, मोटरगार्डों के रबड़ भी हमने इसके चेंज किए हैं जेन्युइन एटलस होंडा के। तो दोस्तों, ये मोटर बाइक की दूसरी साइड की लुक है, और जूम भी आप सब दोस्तों के सामने रखते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं इसके रेयर ड्रम और प्लेट की। तो ये बफ किए गए हैं, और ब्रेक केम जो है वो इसकी कैडियम के अंदर सारा सिस्टम हुआ हुआ है, कैडियम किए गए हैं। और रेयर शॉक्स का जिक्र कर चुका हूँ कि ये क्रोम हुए हुए हैं। और बात करते हैं सिलेंसर की, तो सिलेंसर एटलस होंडा का जेन्युइन सिलेंसर इसके ऊपर इंस्टॉल किया गया है। फुटबार का जिक्र कर चुका हूँ, और इस साइड से केस और टैंकी ये भी मैं आप सब दोस्तों के सामने रख चुका हूँ कि ये भी हमने न्यू इंस्टॉल किए हैं, जेन्युइन इंस्टॉल किए हैं। और किक इसकी नई लगाई है, रबड़ जो है वो हमने इसके नए लगाए हैं। तो दोस्तों, किक हमने इसकी नई लगाई है, और उसके बाद इसका क्लच आर्म और केबल्स तमाम जिक्र कर चुका हूँ। इंजन का मुकम्मल जिक्र कर चुका हूँ कि इसका जेन्युइन एटलस होंडा का पार्ट्स इसके अंदर इंस्टॉल किए गए हैं, और सन जापान का भी इसके अंदर इंस्टॉल किया गया है। सामान नाची के बैरिंग और लॉन्ग का इसके अंदर रॉड डाला गया है, जो बिल्कुल ही जेन्युइन होते हैं। तो बाकी RPM की केबल भी जिक्र कर चुका हूँ कि केबलें तमाम हमने इसकी चेंज की हैं। ब्रेक पैंडल भी हमने चेंज किया है, फुटबार भी, फुटबार रबड़ भी। तो दोस्तों, मैं ये जिक्र कर रहा था फ्रंट साइड से कि इसका फ्रंट मोटरगार्ड मैं पहले बता चुका हूँ, और इसका हब भी आप शाइन देख सकते हैं। व्हील तार इसकी हमने चेंज की है, और रिम भी इसका हमने चेंज किया है। और हेडलाइट का भी जिक्र कर चुका हूँ कि हेडलाइट भी हमने इसकी नई जेन्युइन चेंज की है। मीटर भी जेन्युइन चेंज किया है,
और उसके बाद बाकी जितनी भी चीज़ें हैं सब आप सब दोस्तों के सामने रखा है। अब मोटर बाइक को हम करते हैं स्टार्ट, स्टार्ट करके आप इसका साउंड सुनते हैं। तो दोस्तों मोटर बाइक को हम पहले स्विच ऑन करते हैं, स्विच ऑन करके इसका हॉर्न भी चेक करते हैं और इंडिकेटर भी इसके चेक कर लेते हैं और बिस्मिल्लाह करके आप इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। माशाल्लाह दोस्तों आउटस्टैंडिंग साउंड है, ज़बरदस्त साउंड है और इंजन का भी साइलेंसर थोड़ा सा बंद करके इंजन का भी साउंड चेक करते हैं। हल्की हल्की, हमेशा की तरह बताता हूँ कि हल्की हल्की टैपेट्स की आवाज़ होती है क्योंकि टैपेट्स डिले रखने पड़ते हैं जब इंजन न्यू किया जाता है अंदर से, तो हर चीज़ न्यू होती है इसलिए टैपेट इसके हल्के हल्के लूज़ रखे जाते हैं। और इसकी हेडलाइट भी चेक कर लेते हैं दोस्तों, दोनों पॉइंट, और बैक लाइट भी इसकी चेक कर लेते हैं, दोनों ब्रेक्स के साथ और हेडलाइट के साथ भी चेक कर लेते हैं और इंडिकेटर भी चेक कर लेते हैं इसके। तो दोस्तों माशाल्लाह बिल्कुल ही आउटस्टैंडिंग साउंड और आउटस्टैंडिंग इसके काम के साथ। तो दोस्तों मोटर बाइक को बंद करके जी, तो दोस्तों बाकी अल्हम्दुलिल्लाह इसका रिव्यू हमने बाइक का कर लिया है बिल्कुल ए टू जी, हर चीज़ जो है वो सब दोस्तों के साथ शेयर की है। अब मैं मोटर बाइक के जो ऑनर है मैं उनको बुलाऊंगा, दावत दूंगा, वो आएँ और आप सब दोस्तों को फीडबैक देंगे कि मोटर बाइक जो पहली हालत में देखे गए थे अब जो ये मोटर बाइक की हालत है वो इनको कैसी लगी है। मोटर बाइक की इनसे ड्राइव भी करवाई है हमने और चलाया भी उन्होंने, साउंड भी सुना है, और वो खुद मुतमईन हुए हैं या नहीं हुए ये सब दोस्तों के सामने वो बात करेंगे। तो मैं, उनका नाम मोहम्मद यासिर है, यासिर भाई को मैं दावत दूंगा, यासिर भी आप आएँ अब मैं हमारे साथ बैठे हैं और बताएं मेरे सब सब्सक्राइबर व्यूवर्स को। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। तो आपको ये मोटर बाइक जो आप देखे गए थे किस हालत में था, अब जो मोटर बाइक हमने ये तैयार करके आपको गिफ्ट किया है, बतौर गिफ्ट है हमारी तरफ से ये मोटर बाइक, तो ये आपको मोटर बाइक कैसा लगा है? सर मैं तो देख के हैरान हो गया, तो पहले तो इसकी बहुत ही रफ़ कंडीशन थी लेकिन अब मुझे देख के यकीन भी नहीं आ रहा कि ये मेरे भाई ने तैयार किया, ये शोरूम से हमने परचेज़ किया है। तो मुझे बहुत खुशी हुई है और मेरी आपके लिए बहुत सी विशेज़ हैं कि अल्लाह पाक आपको मज़ीद और इस काम में कामयाबी अता करे। और मेरी उन लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ अगर आपको इनकी वीडियो या कोई ऐसा मसला नज़र आता है तो आप ना देखा करें, ना बुरे कमेंट्स किया करें, अगर कोई चीज़ अच्छी लगे तो काइंडली अच्छा कमेंट्स कर दिया करें ताकि इनके काम में इनको और खुशी हो और इनके काम में इनको अल्लाह ताला और बरकत दे। हमारी तरफ से तो नेक दुआएं इनके लिए। तो माशाल्लाह बाइक इन्होंने बहुत ही प्यारा रेडी किया, मुझे यकीन करें अभी भी यकीन नहीं आ रहा, जो मैं दे के गया था पहले कंडीशन में इनको, उस कंडीशन में और अभी इस कंडीशन में बहुत ही देखने में मज़ा आ रहा है। और मेरी जगह अगर आप भी होते तो आप भी लाजमी इनके लिए बहुत सी विशेज़ का एक अपील करते, और दूसरा सब लोगों के लिए ही होता है कि आप सब लोगों को मैं गुजारिश करूंगा कि मेरे जो भी देखने वाले और भी मेरे जैसे भाई हैं तो जिनको शौक़ है कि बाइक 125 को हमने एक नई लुक में देखना है तो इनसे लाजमी रब्ता करें, तो ये आगे मज़ीद अपनी अपडेट्स करेंगे बातें जी। अर्शद भाई, तो दोस्तों आप सब ने दोस्तों ने सुन लिया है कि मोटर बाइक के ऑनर हैं, इनके साथ बात हुई है और इन्होंने मोटर बाइक चलाया भी, अल्हम्दुलिल्लाह मोटर बाइक बहुत पसंद है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये बनी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी वीडियो में, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।